Our world has changed completely, all in the span of a few days. And this change is going to be a part of us forever. None of us has seen this incident ever, such an event. Because of this big hurdle that we all need to cross, there's a very beautiful movement coming very close to us. It's called the Corona Quilt Project. Simply Beautiful always is very happy to say बहुत खुश है हम कि अब हम एक बहुत अच्छे मूवमेंट के साथ जुड़ने लगे हैं हम जुड़ गए हैं हम उस मूवमेंट के साथ जुड़ गए हैं कोरोना क्विल प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल मूवमेंट है और बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग देशों में इट इज़ हैपनिंग इट इज़ प्राइमरली टू क्रिएट अवेयरनेस हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो ये जो आपकी फीलिंग्स हैं sad and happy, उसमें आप अकेले नहीं हो, we are all going through it, but अब ये वक्त आ गया है कि हमें उसे express करना है, हमें उसको share करना है. The Corona Quilt Project is all it's asking you is for a square that you've made with your own hands, a square where you can express your feelings. आप, what is it that you're feeling right now? आप किस सोच से गुजर रहे हैं क्या सेंटिमेंट है क्या भावना है आपकी आप उसको एक स्क्वायर में ट्रांसलेट कर दीजिए बस एक 15 इंच बाय 15 इंच के टुकड़े में आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कैसा महसूस हो रहा है इन दिनों में और हम जो कोरोना क्विल्ट प्रोजेक्ट टीम है हम लोग उसको आपके सारे स्क्वायर्स को जोड़ के एक बहुत सुंदर सी क्विल्ट बनाएंगे इट्स अ सोशल क्विल्ट ये मूवमेंट विदेश के देशों में खासतौर पे अमेरिका वगैरह में तो बहुत प्रचलित है और सालों से हो रही है जहाँ दुनिया भर से लोग ऐसे स्क्वायर्स बना के भेजते हैं और फिर तो उसको जोड़ के एक बहुत सुंदर इंस्टॉलेशन बन जाती है ये वक्त है जब हम एक सुनहरा इतिहास लिख सकते हैं इस टाइम का कोरोना के टाइम्स पे भी हम कुछ बहुत सुंदर बना सकते हैं और ये मूवमेंट को एक इतिहास बना सकते हैं ये इंडिया का पहला ऐसा क्विल्ट मूवमेंट है वी डोंट हैव टू बी आर्टिस्ट और समवन वेरी ग्रेट विद क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी तो हम सबके अंदर है कहीं बहुत छुपी हुई है हमारी भावना हम किस तरह से प्रकट करें ये हमारे ऊपर है हमें अपनी खुशी के लिए अपने लिए बनाना है और इस मूवमेंट के लिए बनाना This movement that does not discriminate in any way. Everyone is equal in it. There is no age line कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ या मैं बूढ़ा हो गया हूँ या ये तो बहुत छोटा बच्चा है या कोई कास्ट या कोई क्रीड या कोई वर्ग I'm making this square for my great granddaughter and this is giving me hope. So I made the square for the Corona Quilt Project and my square symbolizes the current events going around in the world. Aiye, hamara saath dijiye and become our companions, hold our hands and join the Corona Quilt Project.